हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको प्रतिदिन एक न्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी देते हैं दोस्तों। वैसे आज एक न्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी देने वाले दोस्तों। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। तो वीडियो में आज हम बहुत अच्छे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम प्लेटीफोर्ट सिरप है। डाबर कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्लेटलेट के लिए। तो उसमें क्या कंटेन है, किस प्रकार से कंटेन है, ये सब आपको बताएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। आइए हम आपको प्लेटीफोर्ट के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्लेटीफोर्ट आजकल नॉर्मल सी बात है, बहुत लोगों को डेंगू मलेरिया ये सब बुखारें हो रही हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट की कमी आ जा रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब बहुत सारी दवाइयां कर रहे हैं, बहुत सारी औषधियां खा रहे हैं, लेकिन उनका प्लेटलेट बराबर नहीं आ पा रहा है। तो उनके लिए आज बहुत ही अच्छी रामबाण दवाई लेकर आ गए हम लोग। डाबर कंपनी का प्लेटीफोर्ट सीरप है, जो कि ब्लड में प्लेटलेट की संख्या को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है, और बहुत ही जल्दी वर्क करके बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो कंटेन पाए जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो प्लेटलेट के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज आप जानते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी के मौसम है, ठंडी का मौसम, कैसा मौसम है, हम बाहर सोते हैं या घर में सोते हैं, तो बहुत सारे मच्छर लगते हैं, जिसकी वजह से मच्छरों की वजह से हमको डेंगू मलेरिया ये सब होते रहते हैं, नॉर्मल से बुखार होते रहते हैं। यदि आपके पास गंदगी है तो मच्छर जरूर आएंगे, आपको काटेंगे भी, उसकी वजह से आपको मलेरिया या डेंगू टाइफाइड जैसा बीमारी हो सकता है। तो उसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को वीकनेस जैसा फील होता है, बार बार नींद जैसा फील होता है, ताकत नहीं रहती शरीर में, स्फूर्ति नहीं रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो आप प्लेटीफोर्ट सिरप का यूज करें, इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका प्लेटलेट बहुत ही जल्दी आपको बराबर कर देगा। ये प्लेटीफोर्ट सिरप बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्लेटलेट के लिए, क्योंकि इसमें जो कंटेन है ना, हम आपको इस पर बताने वाले हैं। जो सबसे पहले कंटेन है जो है पपाया है, पपाया पपीता बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, बहुत ही जल्दी मदद करता है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। दूसरा है, इसमें गिलोय डाला गया, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो कि प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, इसमें तीसरा कंटेन तुलसी है, जो एंटी बैक्टीरिया की तरह काम करता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जाकर ख़त्म करता है, और प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प करता है दोस्तों। और चौथा कंटेन इसमें पिंपली है, जो कि खांसी जुखाम बुखार, यदि आपको बार बार एलर्जी जैसा फील हो रहा है, तो पिंपली बहुत ही अच्छा खांसी के लिए वर्क करता है, प्लेटलेट को भी बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है दोस्तों। तो आप प्लेटीफोर्ट सिरप का यूज कीजिए। और आपको हम इसमें पाँचवा कंटेन बताने वाले हैं हरित की, जो कि हमारे अंदर जो कफ जमे होते हैं, पेट साफ नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी होता है, उस पेट साफ करता है, कफ को साफ करता है दोस्तों। इसमें हल्दी डाला गया है, जो कि बैक्टीरिया को जाकर अंदर से ख़त्म करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है हल्दी, जो प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसमें अगला कंटेन नीम का आता है, जो कि आप जानते हैं नीम कितना कड़ू होता है, जो कि हमारे शरीर में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया उनको मारने में बहुत अच्छा हेल्प करता है नीम। नीम से प्लेटलेट भी बढ़ता है, आप जानते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया खत्म होंगे प्लेटलेट ऑटोमेटिक धीरे धीरे आराम से बढ़ जाएगा। लेकिन प्लेटीफोर्ट सिरप जो है इतने सारे कंटेन होने की वजह से बहुत ही जल्दी प्लेटलेट को बढ़ाता है दोस्तों। इसमें और सारे भी कंटेन हैं, उसको आइए हम बताते हैं। इसमें कीवी डाला गया है, कीवी का आप सुने होंगे, कीवी का फल का खाने से बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ता है, उसमें कीवी जूस भी है, जिसकी वजह से प्लेटलेट बहुत ही अच्छा बढ़ता है, और कीवी विटामिन सी की कमी को ही पूरा करता है, जिससे प्लेटलेट बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें अगला कंटेन जो है इंद्रवर्णी है, जो कि आपको ज्वर से मुक्त करता है, बुखार नहीं होता, जो बार बार फीवर आता है उसको रोकता है, उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जब आपको फीवर आना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसमें लास्ट कंटेन आता है हनी का, मधु का आता है, जो कि खांसी के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है दोस्तों, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा काम करता है हनी। और जब इतने सारे कंटेन मिल जाते हैं तो आप प्लेटीफोर्ट सिरप समझो बन जाता है, उसका यूज करें, जो कि आपके प्लेटलेट के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों। प्लेटीफोर्ट सिरप का यूज़ सुबह शाम वन से टू स्पून यूज करना है, 10 से 20 ml सुबह शाम पानी के साथ खाना खाने के बाद ही यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आपको इसमें जितने भी कंटेन हैं वो आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे कंटेन डाले गए हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, जो कि डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, आपको प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं दोस्तों। तो प्लेटीफोर्ट सिरप का यूज़ जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। एक बार और ध्यान से सुन लें, किसी भी दवाई का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।